वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर, गुरुकुल अकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल अकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन को जय श्री महाकाल का नाम लेके। आज के सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका मैं सेकेंड पार्ट आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका पाइपलाइन सिस्टम। इससे पहले मैंने एक क्लासेस पाइपलाइन सिस्टम की ले चुका हूँ और अभी जो है हमारी सेकंड क्लास है आज पाइपलाइन सिस्टम की। तो फटाफट हम लोग शुरुआत करेंगे पाइपलाइन सिस्टम की सेकंड क्लासेस के बारे में। बेसिक मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है इसके, किस तरह से आपका टॉपिक जो है रिलेटेड है वो टाइम एंड वर्क से, वो पूरा हम लोग एक बार देख चुके हैं। आज हमारी जो क्लासेस है बेसिक लेवल से थोड़ी ऊपर की क्लासेस हैं और मैंने आज उन क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया हुआ सारे जो कि एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन से लास्ट के 3 साल में 16, 17 और 18 के जो ईयर से उन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करेंगे सेशन की जय श्री महाकाल का नाम लेके। और मैंने एक दो क्वेश्चन उनको भी रखा हुआ जो कल बच्चों को जिन क्वेश्चन में डाउट था, जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर ये स्क्रीनशॉट दिया था कि ये क्वेश्चन हमारे डाउट के, अगेन आज मैंने उन क्वेश्चन को भी उसमें शामिल किया हुआ। तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो अभी सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक सर, टाइमर ऑन कर दिया जाए। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि आपको आज कॉन्सेप्ट के साथ कुछ सीखने को मिलेगा और उससे की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, और एक और बात बता दूं, डेली हमारी क्लासेस सुबह मॉर्निंग के 9 बजे होती है मैथ्स की, 10 बजे होती है रीजनिंग की, शाम में 7 बजे होती है रीजनिंग और 8 बजे होता है मैथ्स। क्लियर है सारे लोगों को? ये टाइमिंग सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी आपको जो मॉर्निंग का टाइम है सबको सुटेबल होगा, इवनिंग का जिनको सुटेबल है वो इवनिंग में करें। क्लियर, तो अब शुरुआत करते हैं सेशन की जय श्री महाकाल का नाम लेके। फटाफट लिंक को शेयर कर दो। ठीक, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, बनाओ क्वेश्चन। ठीक, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, 30 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम आ रहा है, इसके लिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बना चलो बस क्वेश्चन हो, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, बस बनाओ क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चनों को बनाते चलो बस। ठीक, टाइमर एंड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है, एक पाइप टैंक को पी घंटे में भर सकता है और टैंक में एक छेद उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। यदि P इज लेस देन Q है और भरने वाला पाइप और छेद दोनों खुले हैं तो टैंक R घंटे में भरेगा। ठीक, तो कितने घंटे में भरेगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे बेसिक का फंडा है हमारा यहाँ पे कि मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया कि 1/A+B, अगर A और B के दिन एक साथ में निकालने होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/A और प्लस में लिखते हैं हम लोग 1/B। A और B क्या है, A और B के द्वारा लिए गए समय है। ठीक है, पर्टिकुलर इनके काम करने। अब इसी को अगर मैं इस फॉर्म में देखता हूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/R। ठीक, आर समय हम लोग चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/ में कितना हो जाएगा आपका पी, आर एवं समय सारे लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/ में पी। क्लियर है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि अभी एक खाली करने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी माइनस में थी, 1/ में क्या करेंगे क्यू। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1/R = 1/P - 1/Q। ठीक, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया था उन सारे लोगों का करेक्ट आंसर है, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। ठीक, आर एवं समय में सारे लोगों को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को। ठीक, इसके लिए टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, बनाते चलो बस क्वेश्चन, फटाफट फटाफट बनाते चलो क्वेश्चनों को, क्वेश्चन बनाते चलो बस। बनाओ बनाओ क्वेश्चनों को, ठीक जल्दी से बनाते चलो। चलो देखो टाइमर आपका एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन इस तरह से, देखो एक पाइप किसी टंकी को 7.5 घंटे में भर सकता है, वह लीक की वजह से टंकी को भरने में 50 मिनट का ज्यादा समय लेता है।
तो लीक पाइप टंकी कितने में भर देगा, ये क्वेश्चन है। अब 7.5 घंटे, 7.5 घंटे को आप कैसे लिखोगे? तो 7.5 घंटे के लिए हम लोग लिखते कितना आपका 15 बटे में। तो अगर मैं 7.5 की बात करता हूँ तो ये कैसे लिखोगे आप लोग? तो इसको आप लिखोगे कैसे 15 बटे में। तो क्लियर है ये बात सभी को? तो 7.5 जो घंटे दे रखे हैं इसको मैं लिखूँ कितना आपका 15 बटे में 2। ठीक, अब आगे देखो, 7.5 घंटे में आप 50 मिनट और जोड़ते तो कितना हो जाएगा आपका 8 घंटे 20 मिनट। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग? 8 सही 20/60, और 20/60 का मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका 8 सही 1/3, मतलब हो जाएगा 25/3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 25/3। कोई डाउट ठीक है यहाँ पे? अब देखो, अब हम लोग क्या दे रखा है आपका यहाँ पे कि एक पाइप ए है और ए कैसा है पॉजिटिव, वो कितना समय ले रखा है 15/2। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे कि जब दोनों पाइप काम करते हैं ए प्लस और बी, क्योंकि बी नेगेटिव वाला है, तो ये कितना समय ले रहा है आपके 25/3 कितना 3। और एक तीसरा पाइप और है बी नेगेटिव, उसकी बात और कर ले तो उसका समय हम लोग को दिया नहीं है। अभी सभी को विजिबल हो रहा है सर? देख लीजिए एक बार। ओके सर, मुझे हाइड कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो, कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम निकालता हूँ कितना आएगा आपका यहाँ पे? 75 आएगा। क्लियर है? 15 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, 5 दिन कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 10, और ये 25 तीन बार कटेगा, 3 दिन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9। क्लियर है? अब देखो, अगर 10 लीटर पानी ऊपर से आ रहा होगा इनलेट पाइप के द्वारा, तो 9 लीटर आपका दोनों पाइप में पहुंचा है। कब? जब दोनों की एफिशिएंसी साथ रही। तो बी ने कितना आउट किया होगा? 1 आउट किया होगा। ये बात सबको क्लियर है? अगर बी ने 1 आउट किया होगा तो अब मुझे निकालना है कि बी का समय कितना हो जाएगा। तो बी का समय अगर मुझे चाहिए तो बी का समय कितना हो जाएगा इस टैंक को खाली करने के लिए? तो 75 लीटर का टैंक है आपका यहाँ पर, और 75 लीटर के टैंक को क्या करेगा आपका यहाँ पर? ये बी खाली करेगा 1 के अनुसार। आंसर हो जाएगा आपका 75 मिनट। ठीक, तो 75 मिनट कौन से? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन लोगों ने अभी क्वेश्चन का आंसर किया था। आ रही उसके अंदर सारे लोगों को? ठीक, क्लियर। तो 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाओ, इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। बनाते चलो बस क्वेश्चन को, बहुत फास्ट क्वेश्चन बनाने, जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने बनाते चलो आज तो। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए बस। मैथ से डाउट तो आएंगे, ऐसा कोई जरूरत है नहीं कि आप डाउट नहीं लेके आओगे। डाउट लेके आओगे, लाजिमी है वो तो। पर बनाओ, चलो टाइमर एंड करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, डी व्यास का एक पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 2D व्यास वाले पाइप को टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो, तो जब कभी क्वेश्चन ऐसा होता है व्यास वाला, तो व्यास का अगर आपको यहाँ पर दे रखा है कि पहले वाले पाइप का कितना दे रखा है आपको डी, क्लियर है? तो पहले वाले पाइप का कितना व्यास दे रखा है आपको यहाँ पे? तो पहले वाले की बात करोगे तो डी दे रखा है, दूसरे वाले कितना आपका 2D है। आ रहे हो समझ? तो इनकी जो कार्य क्षमता होती है, वो कार्य क्षमता क्या होती है? इन व्यास के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होती है। यह आपका व्यास जो होता है उसका अगर आप स्क्वायर कर देते तो वही क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? इनकी कार्य क्षमता। तो डी का आपका कितना लिखोगे इसको? डी स्क्वायर। इसका कितना लिखोगे आप लोग? 4D स्क्वायर। क्लियर? तो डी से तो डी कैंसिल हो गया स्क्वायर से, अब कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 और 4। कोई डाउट है क्या? 1 और 4 इनकी कार्य क्षमता है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल वर्क, यहाँ पे चाहिए टोटल इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो टैंक की अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? तो टैंक की अगर मैं कैपेसिटी लिखता हूँ तो कैपेसिटी मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर, कैपेसिटी बराबर कितना हो जाएगा आपका कि 40, और इंटू कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर? 1। ठीक, क्योंकि समय किसका दिया गया आपका? छोटे वाले पाइप का। ठीक, अब 40 × 1 तो कैपेसिटी हो गई। तो अब कौन खाली करेगा इसको यहाँ पर? तो टैंकी को खाली करने में कौन सा? बी वाला पाइप। तो बी का जो समय हो जाएगा ये 2D वाले का, तो उसका कितना होगा? 40/4 कितना 4 बराबर क्या लिखोगे आप? 10 मिनट। क्लियर है? तो ऑप्शन पर कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर? सी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिन लोगों ने 20 आंसर किया था उनका 20 बिल्कुल गलत है। ठीक, 20 वाले बिल्कुल गलत है। आप हमेशा याद रखना है कार्य क्षमता जो होती है डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, क्लियर है? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस क्वेश्चन का एक और यूज करेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। बना चलो बस क्वेश्चन को, जितने जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन बनाते चलो बस। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे आपके। बनाओ, जहाँ पे डाउट हो फटाफट कमेंट करते जाना, आप क्वेश्चन मुझे बताते जाना भाई सर यहाँ पे हम लोग को डाउट है। पर बनाओ क्वेश्चन को। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन? बना चलो बस।
चलो टाइमर ऐड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पाइप किसी टैंकी को 63 मिनट में भर सकता है, वह दूसरे खाली करने वाले पाइप का व्यास पहले वाले व्यास का 4/5 गुना है, तो दोनों पाइप मिलकर टैंकी कितनी देर में भरेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला पाइप का व्यास कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो पहले पाइप का अगर आप व्यास मानते हो कितना मान लेते हैं हम लोग, 5। अब 5 क्या है आपका, दूसरे वाले कितना है उसी का 4/5 है, अब कितना हो गया अगर दूसरे वाले का 4, तो दूसरे वाले का व्यास कितना हो गया उसका 4। क्लियर है बात। अब अगर मैं इनकी कार्य क्षमता लिखता हूँ दोनों की, ठीक, वर्क एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं दोनों पाइप की, तो वर्क एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आप लिखोगे कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 25 और इसकी कितनी आएगी आपकी 16। क्लियर है। अब सेकंड वाला जो है ये नेगेटिव में, इसकी कार्य क्षमता कैसी नेगेटिव, इसकी कैसी पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड वाला खाली करने वाला है और पहले वाला इसको भरने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ए और बी, मतलब कि दो पाइप है आपके ये मान लो, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बारे में अपन बात करते हैं तो इनकी कंबाइन कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो अगर ए और बी की आप बात करते हो तो ए और बी की कंबाइन कार्य क्षमता कितनी, 25 माइनस में कितना करोगे 16, तो कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 9। क्लियर है। तो ये क्या करेगा आपका 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा, पानी को आउट करेगा। कोई डाउट है क्या, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर ये 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को आउट करेंगे कब, जब दोनों एक साथ चलेंगे, तो हम लोग पास में टंकी कितनी है, तो टंकी के अगर मैं कार्य क्षमता लिखता हूँ TW, मतलब टोटल वर्क एक तरह से वही होता है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा आपका 63 मिनट पहले वाले लगाया उसकी कार्य क्षमता कितनी आपकी यहाँ पे 25 है, और किससे हम लोग यहाँ पे अभी ये समय निकाल रहे हैं ए और बी का, ठीक, ए और बी का समय के लिए क्या डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 से कितनी बार कटेगा आपका ये, तो 9 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 9 7 63 25 सदे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 25 हो जाएगा आपका 175, 25 से 150 और 175, 175 मिनट आपको लगेंगे किसको, दोनों को, टंकी को भरने में। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सारे लोगों के लिए। क्लियर है। तालियां हो जाए जिन लोगों ने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किया था, 175 वाले सारे लोग बिल्कुल सही है, आ रहे हो समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, फटाफट करते चलो, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे हम लोग बस। ठीक, अब आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं, बनाओ बस क्वेश्चन, जितना जल्दी बना सकते हो बनाते चलो बस। 25 मिनट दे रखे हैं पर फिलहाल हम लोग तब को 30 मिनट दे रहे हैं। क्लियर, चलो बनाते चलो क्वेश्चनों को। बनाओ, 5 सेकंड और बचे हैं बस, हो गया आपका टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन है, देखो तीन पाइप की बात कर रहा है आपका, क्या दे रहा है आपको, पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, टंकी के नीचे एक खाली करने वाला पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर देगा यदि पहले टंकी भरी हो तो, सिर्फ यदि पहले टंकी खाली है, यदि पहले टंकी खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास कितने पाइप हो गए, तीन, एक ए प्लस है, तो दूसरा कैसा आपका बी नेगेटिव है, एक कैसा सॉरी बी पॉजिटिव है और एक कैसा सी नेगेटिव है। इसका समय कितना दे रखा आपको यहाँ पर, 20 दे रखा है। इसका समय कितना दे रखा आपको यहाँ पर, 25 दे रखा है। इसका समय कितना दे रखा आपको यहाँ पर, 30 दे रखा है। अगर इन तीनों का आप एलसीएम निकालते हो कितना आएगा आपका, 300। कोई डाउट नहीं आता, लघुत्तम कितना है 300। 20 से कितनी बार कटेगा आपका, 20 से ये करोगे आप 15 बार कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा आपका 12 बार कटेगा, 30 से कितनी बार कटेगा आपका 10 बार कटेगा। क्लियर है। अब तीनों की कंबाइन क्षमता लिख लेते हैं हम लोग, क्या ए प्लस बी और माइनस में सी, ठीक, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 17 हो जाएगी। क्लियर है। आ रहे समझ में सारे लोगों को, दिख रहा है सारे सर, ओके 17 दिख रहा है सारे लोगों को, ओके। अब देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तो अब हम लोग क्या चाहिए, इन तीनों का टाइम चाहिए। तो भाई इनका समय अगर मुझे निकालना है तीनों का टंकी को भरने के लिए, तो 300 लीटर की टंकी है, 300 यूनिट की, 17 लीटर उसमें पानी जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17 का 17 होगी आपके यहाँ पे, और 17 सत्तर की 119 हो जाएगा और 11 आपका बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना 17 नीचे हो जाएगा, तो 17 से ही 11/17 इतना क्या हो जाएगा उनका समय हो जाएगा, किसमें आपका, मिनट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका यहाँ पे, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन मार्क किया था उन सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई डाउट है क्या सारे लोगों के लिए, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते चलो, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप भी कहोगे सर इतना अच्छा क्वेश्चन, वाओ इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आई थिंक वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चनों को, बराबर सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, एक बार थम्सअप शो कर दो यार अगर दिख रहा है तो, है ना, आवाज क्लियर आ रही है,
चलो टाइमर एंड करते हैं क्वेश्चन के लिए। सर मुझे थोड़ा हाइट कर दिया जाए क्योंकि क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बड़ा है सर, सिर्फ शायद हाइट कर दिया जाए। ओके देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, 12 पाइप, 12 टंकी को भरने वाले पाइप जो कि प्रत्येक 32 मिनट में भर सकते हैं, और 8 खाली करने वाले पाइप जिसे प्रत्येक 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 1 मिनट में 210 लीटर पानी भर सकते हैं, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये कल का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कल मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखो क्वेश्चन की अगर शुरुआत करते हैं हम लोग, तो ये मान लेते हैं कि जो पाइप है आपको पानी को भरने वाले उसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है? ये प्लस वाले एक कैसे मान लेता हूँ बी नेगेटिव, जो खाली करने वाले, क्लियर है? आ रहे समझ में? एक कैसा पॉजिटिव और एक कैसा है बी नेगेटिव। अब इस ए पॉजिटिव का एक का टाइम कितना है आपका 32 मिनट है, तो इनका कितना है आपका यहाँ पे खाली करने का कितना है आपका 40 मिनट। अब इसका अगर आप लघुत्तम निकालोगे देखो 60 आ जाएगा, 32 से कितनी बार कटेगा आपका ये 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपका 4 चौक 16 4 बार, ठीक? अब इससे क्या समझ में आया देखो कि जो पाइप टंकी को भरने वाले हैं उनकी क्षमता कितनी है 5 लीटर पर मिनट है, और बी वाले की क्षमता कितनी है 4 लीटर पर मिनट है। अब आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक, तो दोनों पाइप की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्या कहा गया आपको यहाँ पर डायरेक्टली कि देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अब आपका क्या हो रहा है कि 5 आपका यहाँ पे एक पाइप 5 लीटर पानी डालता है, तो 12 पाइप कितने डालेंगे 12 × 5 = 60। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 8 पाइप है वो क्या है खाली करने वाले, तो 8 पाइप जो है वो कितना पानी डालेंगे आपके यहाँ पे, तो 8 पाइप जो है अगर वो पानी देखते हो उसका, तो 8 8 पाइप 8 × 32 लीटर डालेंगे। तो ये जो लिखा गया है ये क्या है आपका यहाँ पे, ये इनके द्वारा कितना है आपका यहाँ पे 1 मिनट, या फिर एक साथ अगर पाइप खोलते हैं तो एक साथ कितना पानी डालेंगे, तो ये एक साथ की बात हो रही है इनकी, तो एक साथ अगर इनको ओपन करते हैं तो ये डालेंगे आपका 12 × 60, 60 माइनस कितना करोगे 8 × 32, अब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 28, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका 28 यूनिट पानी, ये क्या करेंगे आपका यहाँ पे उसमें डालेंगे 28 यूनिट पानी अगर क्या करेंगे टंकी में डालेंगे। तो अगर 28 यूनिट सारे एक साथ काम करने पर डालते हैं तो वही एक्चुअल में कितना हो रहा है आपका 210, क्लियर है? के अंदर सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 210 और टंकी कितने की हमारी 160 की, तो अब मुझे यहाँ पे टंकी की क्षमता चाहिए, तो टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी आप यहाँ पे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या टैंक की क्षमता, ठीक है? तो अगर मैं क्षमता की बात करता हूँ किसकी टंकी की, तो टंकी की क्षमता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो 210 जो है वो कितने की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 28 यूनिट की, निकालनी कितने की हम लोग को यहाँ पे, तो निकालनी आपको कितने की है आई थिंक 160 की, क्लियर है? अब कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे, तो ये कितनी बार कट रहा है आपका यहाँ पे, काट वायर इसको, तो 28 कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा 32 सॉरी ओके सही है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितने 7 से काट 7 × 28, ठीक है? 7 से काटो 7 × 31 30 बार कटेगा, 4 से इसको काट सकते हैं 4 × 16 40, 4 से कितना हो जाएगा आपका 1200, 4 से कितना हो जाएगा आपका ये 1200, क्लियर है? तो 1200 कौन सा ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 1200 लीटर, क्लियर है? तो पूरी टैंक की जो क्षमता आएगी हमारे पास कितनी आएगी 1200 लीटर, कोई डाउट है क्या? ये यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं, क्योंकि एक पाइप 5 लीटर डाल रहा है तो 12 पाइप डालेंगे कितने 60 लीटर, 8 पाइप 4 लीटर के सबसे खाली करेंगे तो टोटल कितना करेंगे 32 लीटर, तो एक साथ कितना पानी डालेंगे आपको यहाँ पे 28 यूनिट का, और 28 यूनिट जो पानी है वो एक्चुअल में कितना दे रखा 210, तो हमारे टैंक की क्षमता 160 यूनिट, 160 आप कैलकुलेट कर लो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शो किया जाए, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है, बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, लॉजिकली क्वेश्चन है ये, तो बनाओ बनाओ क्वेश्चनों को, बना चलो बस क्वेश्चन, डाउटफुल केस तो नहीं है किसी का, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, है ना? बनाओ बनाओ क्वेश्चन को, टाइमर एट हो गया है, देखो बनाए क्वेश्चन को, इसमें तो कुछ भी नहीं था, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था ये तो सारे लोगों के लिए, ठीक? चलो देखते हैं क्वेश्चन में। एक भरने वाला पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप इसे 36 घंटे में खाली करता है, तो ज्ञात कीजिए कितने और खाली करने वाले पाइप लगाने पड़ेंगे जिससे टंकी कभी पानी बह न सके, क्लियर है?
तो आप देखो मुझे सीधा सा फंडा ये बताओ आप लोग कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो भरने वाला पाइप है ठीक, अगर भरने वाला पाइप कितने समय ले रहा है आपका, एक तो भरने वाला पाइप और एक कैसा आपका यहाँ पे खाली करने वाला, क्लियर है? आप दोनों का समय देख लेते हैं, अगर ये दोनों समय की बात करोगे तो ये कितना हो गया 36 मिनट, क्लियर है कितना समय, और ये कितना आपका ले रहा है यहाँ पे, तो ये कितना ले रहा है आपका 5, सॉरी ये 36 घंटे यार, इसको घंटे में चेंज कर लो, कितना रहेगा इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लो आप यार, है ना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दो पाइप है मेरे पास, एक तो क्या है फिलर है ठीक है, ये क्या है आपके दोनों पाइप हैं, तो दोनों पाइप की बात करो तो एक कौन सा आपका फिलिंग करने वाला ठीक, और एक पाइप कैसा आपका इम्पिटी करने वाला, इम्पिटी का मतलब होता है खाली करने वाला। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर मैं इनका पहले देखता हूँ टाइम, तो टाइम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि खाली ये फिलिंग करने वाला कितना समय ले रहा है आपका 5 घंटे, और ये खाली करने वाला कितना ले रहा है आपका यहाँ पे 36 घंटे। अगर ये है तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी तो उल्टी हो जाएगी, क्लियर, इफिशियंसी क्या हो जाएगी उल्टी, तो इफिशियंसी कितनी होगी इसकी 36 आर्यसन में, तो इसकी कितनी हो जाएगी अब 5 हो जाएगी, ये उल्टा रेशियो होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर फिलिंग करने वाला पाइप 36 लीटर पानी डालता है 1 घंटे में, या 36 मिनट पानी डालता है, और इम्पटी करने वाला कितना डालता है आपका 5, तो आपका पानी क्या होगा अभी खाली होगा, क्योंकि ऊपर से 36 लीटर पानी आ रहा है और खाली कितना हो रहा है 5 ही, तो मैं नीचे वाले पाइप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊंगा ताकि 36 से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा ज़्यादा पानी आपका खाली होने लग जाएगा। तो आप ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करोगे इस 5 का ताकि 36 ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करोगे इस 5 का गुणा किससे करोगे यहाँ पर, तो मैं 5 का इंटू कर देता हूँ 8 से, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा ठीक है। तो आप अगर आपका यहाँ पे लिखोगे तो 40 क्या है आपका यहाँ पे बढ़ा है किससे, इस 36 से, क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे क्या मैक्सिमम कितने पाइप लगाने पड़ेंगे 8, क्लियर, 7 5 35 पाइप से काम नहीं चलेगा, तो 8 वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा 20 वाला ऑप्शन, ठीक हो गई बात सारे लोगों के लिए क्लियर, तो आपको 8 पाइप लगाने पड़ेंगे ठीक, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, बना दे चलो बस क्वेश्चनों को, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, बनाओ क्वेश्चनों को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सबसे सरल सा क्वेश्चन दिया गया है, बना दे चलो बस क्वेश्चन। बनाओ 25 सेकंड का टाइमर नहीं है इसमें, तो सीजीएल में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम, हो गया टाइमर एंड, चलो बनाओ क्वेश्चन, टाइमर एंड करते देखो क्या क्वेश्चन दिया गया, एक पाइप सॉरी एक पाइप टैंक को एक्स घंटे में भर सकता है और टैंक में छेद उसे वाई घंटे में खाली कर सकता है, यदि टैंक 1/3 भरा है तो दोनों पाइप मिलकर टैंक कितनी देर में भरेंगे। अब आपको सीधी सी बात ये पता चली यहाँ पर कि टैंक कितना भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है ठीक है ना, तो खाली कितना होगा भाई साहब, तो खाली आप कहोगे कि सर कितना होगा, वो 2/3 होगा, अगर 2/3 है तो 2/3 ही तो आपको भरना है, तो 2/3 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है 3/2, इसमें तो है ही नहीं, इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, डायरेक्टली करो यार, ये तो हिट एंड ट्रायल था, बस लॉजिकली क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक, हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या, बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था यार ठीक, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डबल से करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, क्लियर है, ये डबल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल क्वेश्चन करवा चुके हैं इसको, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, बना चलो बस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं आज तो आप, है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन है कुछ पूछू मत, बनाओ 4 क्वेश्चन और इसके बाद, टाइमर एंड हो गया है, बनाए क्वेश्चनों को, क्वेश्चन कल भी करवाया था, आज वापस से मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको कल समझ में बिल्कुल नहीं आए थे, इस वजह से हम लोग आज फिर करवा रहे हैं आपको ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन ये है ए और बी किसी पाइप, ए और बी पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भरते हैं, पाइप सी 4 घंटे में खाली करता है, यदि ए बी सी क्रमशः 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोले गए हों तो टंकी कितने बजे खाली होगी या भरेगी, ठीक खाली होगी ठीक, इम्पटी होगी, भरेगी तो है नहीं।
अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है आपको कि तीन पाइप है आपके पास, एक ए पॉजिटिव है और एक कैसा है बी पॉजिटिव है और एक कैसा है आपका सी नेगेटिव है। तीनों के बारे में ये बात हो रही है आपको यहाँ पर। देखो कि ये जो है ये 15 घंटे ले रहा है, तो ये कितने घंटे ले रहा है आपका 12 घंटे ले रहा है, तो ये कितने घंटे ले रहा है आपका यहाँ पे 4 घंटे ले रहा है। तो इनका अगर आप लघुत्तम निकालते हो कितना आएगा आपका यहाँ पे 60। क्लियर, 15 से कितनी बार काटोगे आपको, तो 15 × 60 होता है, ठीक है, 12 × 5 कितना होता है 60, तो 4 से काटो कितनी बार कटेगा आपका 15 बार, 15 × 60। क्लियर ये बात सभी को। अब देखो आगे मैंने ये कहा है अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कि तीन हमारे पास पाइप थे, तो एक 8 बजे वाला चलेगा, तो 8 से 11 तक इसको लेके चलो, तो ये कितने घंटे काम करेगा आपका 3 घंटे। तो ए वाला पाइप कितने घंटे काम करेगा आपका 3 घंटे। फिर मैं नेक्स्ट वाला लेके चला, फिर अब कौन हो गया आपके पास में बी, तो बी 9 बजे से 11 बजे तक कितने चलेगा, तो बी करेगा आपका कितने घंटे काम आपका 2 घंटे। क्लियर है, अब 11 बजे क्या करेंगे तीनों करेंगे, तो 11 बजे इसके बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा आपका ए प्लस बी और प्लस में सी, तीनों हो जाएंगे। ए ने 3 घंटे काम किया तो ए का काम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो देखो 4 × 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको क्या सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो तो ये हो जाएगा आपका 4 × कितना हो जाएगा 3, 4 × 3 = 12। और बी के बारे में कितना है आपका 5 × कितना होगा आपका 2, 10 प्लस। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है, देखो यहाँ पर क्या पता है आपको कि 4 प्लस कितना हो गया 9, ठीक, तो 9 तो अगर आपका पानी आ रहा है तो 15 खाली हो रहा है, तो आप क्या करोगे 9 − 15 मतलब कितना करोगे माइनस का 6 लीटर। क्लियर, अब टैंकी में पानी कितना आ गया इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इस वाली वैल्यू इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, आप इसकी टेंशन मत करो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये क्या आपका 11 बजे तक का काम है। क्लियर है, आ रहे हो समय सारे लोगों 11 बजे तक का, तो अभी आपकी टैंकी में कितना पानी आ गया, तो आपकी टैंकी में पानी आ गया देखो 4 और कितना 12 12 और 10 कितना गया 22 लीटर। अगर 22 लीटर टैंकी में पानी है तो अब खाली करना है, तो खाली करने समय क्या होगा आपका ए प्लस बी और माइनस का सी होगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 − 15 = कितना लिखोगे आप माइनस का 6। तो 22 लीटर खाली करने के समय कितना हो जाएगा, तो टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, तो 22 बटे में 6, ठीक है, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 6 × 3 = 18 3 घंटे, और ये कितना हो गया आपका 4 बटे 6, 4 बटे 2 बटे 3 मतलब कि 2 बटे 3 का मतलब होता है 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट उसको खाली करने में लगेगा, तो 3 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना हो गया 11 बजे से हम शुरुआत करेंगे, 11 से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 × 2 = 40, 2 40 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में जो बिल्कुल करेक्ट होगा। आ रहे हो उसमें सारे लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कल भी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, कुछ को डाउट था इसलिए आज रिपीट करवा दिया है। ठीक हो गया क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की शुरुआत और करते हैं, बनाओ नेक्स्ट में दो क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा, इसको सॉल्व करते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, जितने लोग इसको बना सकते हो बनाना, इसके बाद दो क्वेश्चन और है शायद। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तीन होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, बनाते चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन, बनाओ बस। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है कैसा, जैसा हम लोगों ने व्यक्ति को देखा था, एक काम बिगाड़ने वाला व्यक्ति, दो तो काम बनाने वाले थे और एक कैसा था काम बिगाड़ने वाला, वैसा क्वेश्चन है, बना दे चलो बस क्वेश्चनों को। चलो टाइमर ऐड करते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे, दो पाइप ए और बी किसी टैंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, पाइप सी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, यदि ए बी सी को क्रमागत 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितनी जल्दी भर जाएगी, कितने समय में भरेगी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है, अब क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया गया तीन पाइप हमारे पास में दे रखे, एक ए है एक बी है और एक क्या है आपका सी है, तो ए कितना है आपका यहाँ पर, तो ए के लिए दे रखा 20 मिनट, इसके लिए कितना दे रखा 30 और इसके लिए कितना दे रखा आपको यहाँ पर 15, इनका लघुत्तम और कैरी करो कितना देगा आपका 60, ये प्लस वाला है, ठीक, और ये प्लस वाला और ये नेगेटिव, 20 से कितनी बार कटेगा, 20 से 60 हो गया, 30 से 60 हो गया, 15 से कितना हो गया आपका 60 हो गया, ठीक, ये नेगेटिव है। अब हम लोग क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, देखो क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करता हूँ, क्या दे रखा आपको, पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा फिर क्या जाएगा सी, फिर वापस से ए फिर बी और फिर क्या होगा सी, क्लियर, और ये पैटर्न चलता रहेगा इससे, तो ये कितना पानी डाल के आया 3 लीटर, ये 2 लीटर, क्लियर, आ रहे हो समझ में, देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 3 लीटर डालेगा, ये कितना 2 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर खाली करेगा, तो एक्चुअल में कितना जाएगा आपका 1 लीटर जाएगा, यहाँ पर भी कितना होगा 3, 2 और 4, ये माइनस का 4, इसलिए क्या होगा आपका 1 ही आएगा, ठीक,
अब क्या हो रहा है आपका, 1 लीटर पानी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एक्चुअल में 3 मिनट में जा रहा है। 1 लीटर कितने जा रहा है, 3 मिनट में। ठीक है, मतलब 3 मिनट में अगर काम होता है आपका तो 3 मिनट में कितना होता है आपका, बराबर 1 लीटर पानी क्या होता है उसमें आपका जाता है। क्लियर। अब हमारे पास टंकी कितने की, 60 लीटर की है, तो 60 में अगर 1 का डिवाइड करोगे 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 180। पर 180 आंसर बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं वो देखते हैं। देखो क्यों नहीं है सर, मैंने क्या किया, अभी आपका यहाँ पे इसमें पूरा 60 बार आपका जाएगा, 60 बार भाग नहीं लगाया, कितनी बार लगाया आपको, 59 बार। क्लियर है। मैंने 59 बार क्यों लगाया है, क्योंकि इस सी का टर्न ही नहीं आएगा उसको खाली करने के लिए। देखते देखो, अगर मैंने यहाँ पे किया 1 लीटर के हिसाब से, तो इसको मैंने कितनी बार लिया आपका, 59 बार। ठीक है, तो 59 बार तो क्या हो गई, इनकी बराबर टर्न हो गई, तो 59 × 3 कर लेंगे। ठीक, अब देखो अगर 59 × 3 करोगे आप, तो 59 × 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 59 × 3 करो तो 9 × 3 = 27, और ये कितना हो गया, 167। नहीं, 167 ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 9 × 3 = 27 और ये 6 = 7, सॉरी सॉरी यार, 1 मिनट, 59 से काम करो, देखो कम करो। देखो क्यों कम कर रहे हैं हम लोग, कि लास्ट में आपका 5 लीटर तो टंकी भराएगी सही, मतलब 5 लीटर को हम लोग को भरने की जरूरत नहीं है, 60 मतलब 55, तो आप 55 बार गुणा कर लो पहले। तो अगर मैं 55 बार गुणा करके देखता हूँ, तो थोड़ा सा हीटेड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको यहाँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा हीटेड ट्रायल लगाया। कैसे लगाया, इसको थोड़ा सा इधर ले लो, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये 59 बार नहीं करेंगे हम लोग इसको। देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्या 60 की टंकी है, तो मैंने इसको पहले थोड़ा सा लास्ट में इन तीन दो कितना हो गया, पाँच, पाँच को हटा लो कितना हो गया आपको, 55 तक चलते पहले, तो 55 के लिए आपका कितना इंटू करना पड़ेगा मुझे, 55 बार। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या होगा आपका, 55 × कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, 3 × 5 कितना हो गया, 15 का कितना हो गया आपका, 5 आ रहे उसमें, 15 कितना हो गया, 5। अब आगे 16 करोगे, 3 × 5 = 15, और एक कितना हो गया, 16, 165। मतलब आपका यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, 55 लीटर टंकी को भरने में। ठीक, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 55 लीटर की टंकी अगर आपकी है, तो 55 लीटर की टंकी को आप कितनी देर में भरोगे। ठीक, अभी देखो 55 लीटर टंकी आपकी कितनी देर में भरा रही है आपकी, तो 55 लीटर हो गई 165 मिनट। क्लियर है। अब फिर किसकी टर्न आएगी, वापस से एक ही, तो एक कितना डालेगा उसमें, 3 लीटर आ रहे उसमें, तो 55 और 3, और फिर 2 लीटर कौन डालेगा आपका, बी। तो मतलब क्या हो गया आपके, 2 मिनट और लगे हैं, तो 2 मिनट और जोड़ दोगे इसमें, क्योंकि आपके 4 3 लीटर कौन डालेगा, ए, और फिर 2 लीटर कौन डालेगा आपका, बी। तो इनके कितने, 2 मिनट हो गए, तो 2 मिनट और जोड़ दोगे तो कितना, 167। तो 167 मिनट जिन लोगों ने आंसर किया उनका सबका करेक्ट है, 167 कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, ये सी वाला ऑप्शन जिन लोगों का, उनका सभी का करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बस समझ में हो गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कराओ, पर आज चलो बस 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बस टाइम स्टार्ट कर देते हैं। पर आते चलो, हाँ हाँ बना बनाओ क्वेश्चनों को, टैंकी की क्षमता याद करनी है क्वेश्चन में। बना बनाओ क्वेश्चनों को, देखो टाइमर एंड करें, टाइमर एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखते हैं, देखो कोई क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्लास के 2 क्वेश्चन करवाएंगे। एक टैंक में 6/7 भाग तेल भरा हुआ है, यदि उसमें से 60 लीटर तेल निकाला जाए, तो टैंक में अब 4/5 भाग भरा रहेगा, टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है, तो आप क्या कहा, पहले कितना भरा होता है, 6/7, बाद में कितना हो गया आपका यहाँ पे, 4/5। तो आपने क्या कहा, यहाँ पे से इतना तेल निकल लिया, मतलब ये क्या है, बाद की कंडीशन ये कब की, पहले की। तो आप ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो ताकि ये क्या सेम हो जाए, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का। ठीक, और यहाँ पर कितने कर लो, 7 का, तो ये कितना हो जाएगा, 7। और इधर भी किसका करोगे, 7 का, तो ये कितना हो गया, 6/7 = 42। देखो 6/7, और इधर कितना हो गया आपका, 4/5, इधर गुणा करो किसका हो जाएगा आपका, 7 का, तो ये भी 7 का, और इधर कितना हो गया आपका, ये 5 का, यहाँ पर भी क्या करोगे, 5 का।
आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये कितना है आपका 46, सॉरी 56 कितना हो गया, 30, सॉरी देखो 56 कितना हो गया आपका ये 30, और यहाँ पर कितना 7 5 35, और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 27 28, और यहाँ पर कितना हो गया 35। क्लियर आ रहे वसन? तो अब मेरा ये कहना है आपको कि पूरी टंकी कितनी की होगी, तो पूरी जो टंकी है पूरी टंकी की क्षमता, ठीक इससे समझ में आ जाएगा, पूरी टंकी की क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी, तो क्षमता हो गई कितनी आपकी 35 यूनिट। पहले टंकी कितनी भरी थी, तो पहले आपकी यहाँ पे टंकी कितनी थी आपकी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी कितनी आपकी भरी हुई, अगर उसकी बात करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 30, और बाद में कितनी भरी है आपकी यहाँ पर बाद में, तो बाद में कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 28। क्लियर है आ रहे हो सर? तो अभी 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का जो डिफरेंस है 2 यूनिट कितने को बता रहा है यहाँ पे आपका, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू हो रही है कितनी हो रही है आपकी यहाँ पे 60 लीटर, तो इतना कम हुआ है। 2 लीटर और 60 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30, इसलिए टंकी की क्षमता कितनी है 35, तो टंकी की जो क्षमता लिखोगे क्षमता कितनी हो जाएगी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो क्षमता आपकी अगर लिखते हो क्षमता कितनी हो जाएगी, तो क्षमता हो जाएगी कितनी आपकी 35 × 30, ठीक है, तो आंसर करो कितना 1050। कोई डाउट है क्या सारे लोग? क्लियर, तो 1050 वाला सेकंड वाला ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो आप डिनोमीटर को सेम कर लो इसमें, तो डिनोमीटर को सेम करोगे तो आपका क्या होगा वो रहेगा टोटल क्षमता, और उसके अकॉर्डिंग पहली और दूसरी आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक, हो गया क्वेश्चन क्लियर सारे लोगों को? हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ बस फटाफट। आई थिंक मेरा मन हो रहा है कि होमवर्क में दे दिया जाए आपको, ठीक है चलो फिर भी एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो तो आपका टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, बराबर लास्ट क्वेश्चन है आज का ही, बाकी सारे क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा आज बना दे, चलो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको कभी भी टैंक की क्षमता निकालने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करवाता हूँ, देखो टाइमर ऐड कर देते हैं, लिख लिया आप सारे लोगों ने, अब देखो क्वेश्चन में मैं आपको खुद को ऐड कर लेता हूँ, क्वेश्चन में दिया गया देखो, दो पाइप ए और बी 20 और 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, तीसरा पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है, यदि ए बी और सी टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए खोले जाते हैं तो टैंक की क्षमता क्या है, गैलन में निकाल लिया हम लोग, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तीन पाइप है हमारे पास, एक ए है एक बी है और एक क्या आपका सी है, तो ये प्लस है और ये भी क्या प्लस है, और ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा दे रखा आपको यहाँ पर नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है तो अब इन तीनों का टाइम क्या दे रखा है, तो पहले का दे रखा आपको 20, दूसरे कितना दे रखा आपको यहाँ पे 24, और तीसरे कितना दे रखा आपको यहाँ पे, इसका हम लोग कुछ भी नहीं दे रखा है, पर तीसरे के बारे में ये जानकारी कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, ठीक। तो अब इन दोनों का लघुत्तम निकालो, तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 120। क्लियर, पिछले 120 और पिछले 120 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो अच्छा एक और बात दे रखी यहाँ पे, देखो ए बी और सी टैंक को 15 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है, और ए बी सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ए प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये 15 है, ठीक है। तो इन सबका लघुत्तम कितना 120, 20 से कितनी बार कटेगा आपका, तो 24 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 से कितनी बार कटेगा, 15 8 120। क्लियर है? आप देखो बहुत सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर से दोनों ने कितना पानी डाला है आपका 6 और 5 11, 11 में से आपके पास कितना पानी बचा है अभी 8, तो कितना कहाँ गया होगा 3 गया होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 11 माइनस 8 करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, सी की जो क्षमता आ जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3 यूनिट पर मिनट, ठीक है यार। तो 3 यूनिट हमारे पास में एक्चुअल में कितना है 3 के बराबर है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि 3 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है, 3 अनुपात कितना दे रखा आपको यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर, ये पर मिनट में, क्लियर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात, तो 3 लीटर हो जाएगी आपकी, ठीक। तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 लीटर प्रति मिनट। अब टंकी कितने यूनिट की हमारी, तो टंकी 120 यूनिट की, तो 120 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 120 यूनिट की वैल्यू लिखोगे तो 120 अनुपात की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 120 लीटर। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है 120 लीटर, ऑप्शन पर क्रॉस क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होता है। क्यों इतना देखना था यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, 3 कितने के बराबर है आपका 3 अनुपात, क्लियर है। तो 120 की टंकी है तो 120 लीटर आपकी टंकी की क्षमता हो जाएगी। हो गया सारे लोग क्वेश्चन, ठीक आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये होमवर्क में करना आप, हो गया
आज का यहीं पे क्वेश्चन एंड करते हैं। ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क में, ये भी क्या आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस आप होमवर्क के बनाना, हो जाए तो, नहीं आता है तो आप मुझे सेंड करना, मैं आपको इसको नेक्स्ट में बताऊंगा वापस। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।